सत्य का नाव डगमगा सकता है पर उसको कोई डुबा नहीं सकता। एक कलाकार हूं, आप सिर्फ पवन को 5 साल दीजिए, देखिए ये सच्चाई है। अगर पवन आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगे तो दोबारा आएंगे, नहीं उतरेंगे नहीं आएंगे। मांगत है आशीष गलिए गलिए आज होली लेने खलिए पाते हो वोट दे के माई हो जिताई दिहा बेटा नीर गलिए पाते हो मैं गांव में मेरा सिर्फ यही एक का नाम है। आपने ही पवन को गायक बनाया, कभी सपने में भी आदमी नहीं सोचा था कि हम लोग हीरो भी बनेंगे, बट आपने ही पवन को नायक भी बना दिया। और ये जीवन की तीसरी पारी खेल रहा हूँ आप सबके बीच में आके, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, काराकाट की धरती पर। तो बनावटी बात जीवन में मैंने कभी किया नहीं, जीवन है संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, कभी कभी हार नहीं मानने का। सिंगिंग दुनिया से लेके एक्टिंग दुनिया में पवन सिंह को बहुत धक्का लगा, बहुत सारी बातें हुई, बट पवन का आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे पास है। मैंने बहुत पैसा कमाया, कमाता भी हूँ आप सबके आशीर्वाद से, बट पैसे की संपत्ति मेरे पास नहीं है, दुआ की संपत्ति है। इसके लिए पवन सिंह आज भी जिंदा है। आप सभी ने सबको मौका दिया। और भैया को दिल की बात बताऊं, मैं काराकाट लोकसभा में घूम रहा हूं, रोडे रोड, गांवे गांव, बाजारे बाजार, विकास की बात क्या करेंगे लोग, यहां तो आने चलने के लिए रास्ता भी सही नहीं है, बाकी बात क्या करेंगे। बचपन में हम लोग जब यूपी में शो करने जाते थे, रिलैक्स महसूस होता था, आंख बंद हो जाता था, लेकिन जैसे खड़बड़ आए आपको निकाले बिहार आ गया। फिर भी भैया हमारा देश इतना विकास किया, विकास कर रहा है, करेगा भी, लेकिन काराकाट लोकसभा में मैंने कभी कोई विकास का काम नहीं देखा। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, आपने किसी को एक बार चांस दिया, दो बार चांस दिया, बट रिजल्ट क्या है आप सबके सामने है। एक कलाकार को आप लोग सिर्फ मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये कलाकार अपने जीवन में कभी बनावटी काम ना किया है और ना ही बनावटी पंप के लोग हमारे पास टिक पाते हैं। जेब पवन के भेरी दिल से आई वही टिकी, जेब दिमाग से आई पवन के पास टिक नहीं सकता। जिंदाबाद। सत्य का नाव डगमगा सकता है पर उसको कोई डुबा नहीं सकता। एक कलाकार हूं सामने, आप सिर्फ पवन को 5 साल दीजिए, देखिए ये सच्चाई है। अगर पवन आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगे तो दोबारा आएंगे, नहीं उतरेंगे नहीं आएंगे। अच्छा काम करूंगा, आप सबका साथ दूंगा, आप सबके हर सुख दुख में खड़ा मिलूंगा, बेटा बन के भाई बन के विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि पवन दोबारा आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। एक चीज का वादा है, हमारे गांव के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक बा, हम पढ़ा लिखना है,
जरूरी नहीं है कि बाप नहीं पढ़ा है तो बेटा भी नहीं पढ़ेगा। हम नहीं पढ़े, हमारा समाज तो पढ़ेगा। तो भैया इतना भरोसा रखिएगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में पढ़ाई और दवाई के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका भाई विजय हो गया तो। वोट दे के माई हो जिताई दिया बेटा ने।